दुनिया घूमने का शौक तो हर एक होता है और मुझे भी था। अब यह कि मैंने जो है ना 30-35 के करीब जो है ना वो कंट्रीज़ विज़िट कर लिए थे और मुझे था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को फर्दर एक्सप्लोर करूँ। तो जो तमाम मेजर बड़े बड़े कंट्रीज़ थे वो मैंने विज़िट कर लिए थे एक्सेप्ट रशिया के। अब यह कि बिकॉज ऑफ कोविड जो है ना वो सारी की सारी तकरीबन दुनिया लॉकडाउन के अंदर थी तो कहीं पर भी निकलने का मौका नहीं मिला। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला थोड़ी सी चीज़ें सॉफ्ट हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं रशिया विज़िट करता हूँ। अब रशिया जब मैंने विज़िट करना था तो उसमें यह प्रॉब्लम थी कि मैं एम्बेसी गया वीज़ा लगवाने के लिए तो उन्होंने कहा कि एम्बेसी अभी फ़िलहाल बंद है और वो लोग वीज़ा इशू नहीं कर रहे। अच्छा, अब एक तो रशियन एम्बेसी वीज़ा इशू नहीं थी कर रही, प्लस ये है कि जो है वीज़ा लेने के लिए कुछ एडिशनल फॉर्मेलिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं रशिया की, कुछ आपको इन्विटेशन मंगवाना पड़ता है। तो मुझे किसी ने कहा कि वर्ल्ड कप हो रहा है यूरो 2020 रशिया क्या, उसमें अगर आपने जाना है तो आप टिकट लेके फैन आईडी पे जा सकते हैं और आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कि मौका अच्छा है और चलो। तो फिर जो है ना मैंने अपना रशिया का विज़िट प्लान किया। अब इस वीडियो के अंदर, इस एपिसोड्स के अंदर जो कि रशिया के एपिसोड सीरीज़ है, इसमें मैं आपसे अपना तमाम जो है रशिया का एक्सपीरियंस शेयर करने लगा। ठीक है, तो मैं ये काफ़ी सारी तकरीबन 35-40 के करीब एपिसोड बनाऊंगा और मैं तमाम अपनी 15-20 दिन की जो है ना रशिया की जर्नी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो टिकट मैंने परचेज़ कर ली और फ़ैन आईडी ले ली और मैं फ़ैन आईडी और टिकट लेकर चल पड़ा सऊदी अरेबिया से रशिया। अब यह है कि मेरी एमिरेट्स के थ्रू मैंने फ़्लाइट ली तो एमिरेट्स से तकरीबन 4-5 घंटे का जो था वो मेरा स्टे था दुबई के ऊपर। तो दुबई में जाके मैंने स्टे करने के बाद हम लोग चल पड़े अपना रशिया की तरफ। रशिया में हमारा जो पहला स्टेशन था वो था मॉस्को। तो तकरीबन जो है रियाद से मॉस्को तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है 5000 किलोमीटर बनता है। तो ये 5000 किलोमीटर जो है ना वो सफ़र करने के बाद हम लोग जिनसे सबसे पहले मॉस्को गए और मॉस्को के बाद हम लोगों ने उधर से 2-3 स्टे करने के बाद हम लोग चले गए सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर जो है ना उधर हमने 4-5 दिन स्टे किया क्योंकि पीटर्सबर्ग के अंदर जो है उधर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्लेसेस हैं और उस उधर ही मैच हो रहा था हमारा। और सेंट पीटर्सबर्ग से फिर हम लोगों ने 4-5 डेज के बाद प्लेन लिया और हम चले गए एक नहायत ही खूबसूरत जगह पे जो कि थी सूची। तो सूची जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक सी के पास है, लाइक जॉर्जिया का बॉर्डर मिलता है। उधर गए और उधर जाके हम लोगों ने तकरीबन 2-3 दिन स्टे किया और उधर से फिर हम दोबारा वापस आ गए मॉस्को। तो अब ये सारे का सारा जो है ना हमारा टूर है जिसमें कुछ दिन हमारे मॉस्को के हैं, फिर सेंट पीटर्सबर्ग के हैं, फिर सूची के हैं। सूची से के आसपास जो है ना वो कुछ दूसरे इलाके हैं जहाँ पर हम लोगों ने विज़िट किया और ये सारे के सारे मैं इस एपिसोड के अंदर आपसे आपको बहुत अच्छे तरीके से अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और मॉस्को से एट द एंड था हमारा टूर रियाद की तरफ।